नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ जयंत के दुधीचुआ आवासीय परिसर में, जहाँ एक व्यक्ति जो है एनसीएल कर्मी अपने ही घर में जो है फांसी लगा कर उन्होंने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मैं उसी के आइए हम उनके परिजन से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण था जिसके कारण जो है उन्होंने फांसी जैसी आत्महत्या करने का डिसीजन लिया, अपना अंजाम देने के लिए वो सोचा। ये आइए हम इनके लड़के से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? महेंद्र कुमार। अच्छा, ये पिताजी आपके जो सुसाइड किए हैं रात में, उसमें आप लोग कहाँ थे? जी हम लोग दूसरे रूम में थे। अच्छा, उसी कमरे में थे? नहीं, उस कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में। मतलब मकान में, उसी मकान में थे या दूसरे कमरे में थे? दो कमरे, एक कमरे में एसी लगा, एक कमरे में नहीं लगा। पापा को एसी पसंद नहीं था, इसीलिए वो बाहर वाले कमरे में ही हमेशा सोते थे। मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी एक कमरे में सोते। अच्छा, हमेशा तो बाकी लोग दूसरे कमरे में थे? हाँ, बाकी लोग दूसरे कमरे में। अच्छा, तो कई बजे करीब ये घटना है जबकि फांसी लगाया इन्होंने, कुछ जानकारी? ये जानकारी नहीं है कब लगाया, लेकिन सुबह मम्मी घूमने के लिए उठी, चार बज पाँच बजने वाले थे, 10-15 मिनट बाकी थे शायद। तो उस टाइम उन्होंने देखा कि पापा दरवाज़ा बंद किए हुए हैं, तो आज तक दरवाज़ा बंद करके कभी सोए नहीं। तब उन्होंने मेरे को जगाया, फिर मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी। तो क्या कारण, क्या लग रहा है जिसके कारण जो है वो फांसी लगा ली? मेरे पास ऐसा कोई ठोस कारण मेरे को नहीं पता, क्योंकि 7:30 बजे वो आए कल ड्यूटी से, आराम से खा पी के हमसे बात करके रात में कि बहुत सारी चीज़ें, ये वो डिग्री लेने जाना है तुम्हारी, इधर उधर की बातें, मतलब गुड़िया को, मेरी बहन, छोटी बहन को लेके बात सबसे की। उसके बाद 10:30 बजे तक बोला उन्होंने कि हम जा रहे हैं सोने, सुबह मेरे को ड्यूटी जाना है, मेरे को उठा देना, इतना बोल के वो चले गए, सो गए। तो क्या लग क्या रहा है, मतलब फांसी लगाने का इतना सब बात करने के बाद भी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर से कहीं ना कहीं वो घबराए होंगे या अंदर ही अंदर जो है कुछ ना कुछ उन पे तो कोई दबाव होगा? अंदाजा नहीं है कि कौन सी बात का दबाव था, कि क्योंकि ड्यूटी में भी सब जानते हैं उनको, ऐसे कोई दबाव वाली चीज़ या नहीं, या घर से उनको कभी कोई दबाव नहीं रहा। अब मुझे पता नहीं, अगर कोई पैसे कम लेके कुछ होगा तो मुझे वो जानकारी नहीं इतना ज़्यादा। अच्छा, तब कर्जा उर्जा किसी से लिया था क्या उन्होंने, इंटरेस्ट वंटरेस्ट पे पैसे कुछ? शायद बैंक वगैरह से लिए थे, और अगर किसी आदमी से लिए थे तो वो मेरे को आदमी का नाम नहीं पता कि किससे लिए थे किससे नहीं लिए थे, बैंक से तो लिए थे। अच्छा, बैंक से कर्जा था। हाँ। कितना कर्जा लिया था बैंक से उन्होंने? पता नहीं, 2-3 बार ले चुके थे वो। अच्छा, बैंक से 2-3 बार कर्जा, और लोगों किसी से लिए थे उसकी जानकारी नहीं है आपको? नहीं, उस टाइम की जानकारी नहीं है मेरे को। हिसाब किताब तो रखते होंगे घर में कि कहाँ से कैसे? नहीं, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं रहता था, उनके वेतन में से ही, क्या बोलते हैं, अगर उनको देना होता था तो वो चेक या कुछ भी दे देते थे, तो उसमें से वो लोग ले लेते थे पैसा। अच्छा, तो मतलब किसी से लिए होंगे तब ना चेक वगैरह किसी को देते होंगे? तो वही बोल रहा हूँ, मुझे उनके बारे में नहीं पता ना कौन है कैसे है, मुझे उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, मतलब पैसा वैसे लेकर के कोई डिप्रेशन नहीं थी उनको? मुझे, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में, कैसे बता दूं, कोई कोई नहीं। आप घर में रहते थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप उनके लड़के हैं भैया, आप उनके साथ रहे तो सामने वाला, बाकी घर बाकी में कोई गार्जियन हो, कोई परेशानी होती है तो घर में चर्चा तो करता है। बाकी चीज़ों में कोई उनको दिक्कत नहीं थी, ड्यूटी में भी वो सबसे बात करते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बातचीत तो ठीक है, सामने वाले ने अगर फांसी जैसी, आत्महत्या करने जैसी जो है डिसीजन ले लिया तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ों के कारण जो है डिप्रेशन में होगा। घर पे ऐसा कोई दबाव या कुछ नहीं था, मुझे बस इतना लग रहा है कि बाहरी कोई दबाव हो सकता है मुझे उसके आगे। नहीं तो बाहरी ही दबाव, वहाँ आपका कहाँ शंका कुछ जा रही है, आप जब ऐसा कुछ बताओगे तभी तो फिर आगे आदमी। कि अगर उन्होंने किसी से पैसे वगैरह लिए होंगे तो वही उनको परेशान कर रहे होंगे, उन्हीं से हो सकता है, बाकी घर पे ऐसा कोई दबाव नहीं था। इससे पहले कभी कोई इस प्रकार की कोई चर्चा घर में नहीं की? मम्मी कहाँ है आपकी? मेरी मम्मी अभी जब से ये सब देखा उन्होंने उस टाइम से बेहोश हो गई, तो उनको मेरी बहन और मेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल। अच्छा, अभी अस्पताल ले गए हैं। मैं अभी बात कर रहा था उनके लड़के से, ये दशरथ डीमर नाम के ये कर्मचारी थे जो कि जयंत में एम्प्लॉय थे, दुधीचुआ में एम्प्लॉय थे। ये 603 नंबर क्वार्टर है, सबसे लास्ट वाला। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। ये दशरथ जी जो है आप ही के साथ ड्यूटी करते थे? किस सेक्शन में थे, कौन से परियोजना में? दुधीचुआ में थे ये। तो कल ड्यूटी गए थे? सुबह गए थे 5 बजे। तो इन्होंने कोई आप लोगों से कुछ चर्चा नहीं किया कि कुछ डिप्रेशन में ऐसा कुछ? कुछ फांसी क्या लग रहा है आपको, क्यों लगाए होंगे फांसी? ये हम लोग कभी एहसास नहीं हुआ ना, कभी हम लोग उसके बारे में जाने।
हाँ। कभी ऐसे कुछ हम लोग बारे में कुछ बताया भी नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई उस टाइप की। अच्छा था, भी अच्छा कर रहे थे। मतलब कुछ ड्यूटी में किसी प्रकार कोई चर्चा नहीं की? चलिए ठीक है। ये यहाँ भी मौजूद हैं हमारे वार्ड क्रमांक 19 के पूर्व पार्षद रामलखन शाह जी, इनको जानकारी मिली तो ये भी आए हुए हैं। रामलखन जी क्या कहना चाहेंगे, क्यों फांसी लगाए होंगे, कुछ जानकारी है आपको? तो हमको जानकारी नहीं इसके बारे में, क्यों लगाए हैं। अच्छा अच्छा, कब आपको जानकारी मिली ये? करीब 7 बजे करीब। अच्छा अच्छा, सुबह जैन चौकी से पुलिस भी आ चुकी है और अपना जो है लिखा पढ़ी का काम जो है कर रही है। कॉलोनी के लोग उपस्थित हैं और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीसरे नंबर का ये जो है कमरा है, तीसरे माले का। ये दशरथ दीमर जी का ये कमरा था और लोगों का जहां तक कहना था कि अभी ये जो है रिटायर होने वाले थे। आइए हम इनके ही साथ नौकरी करने वाले भाई साहब ये कह रहे थे, इनका अभी जैसे जानकारी मिल रहा है कि रिटायर भी होने वाले थे। कितने दिन बाद रिटायर होने वाले थे ये? 2 दिन बचे थे, 31। अच्छा, इसी 31 तारीख को रिटायर होने वाले थे। धन्यवाद। जैसा कि उनके साथ ये जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका कहना है कि अभी जो है ये 2-3 दिन 31 तारीख को ये रिटायर होने वाले थे, उससे पहले जो है इन्होंने फांसी लगा करके जो है अपनी लीला समाप्त कर लिया, आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का कारण जो है सही तरीके से समझ में तो नहीं आ रहा है। जो भी हो, ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच करेगी। जांच से जो भी पता चले ये पुलिस जांच का विषय है। अभी फिलहाल में कोई भी खुल करके यहाँ जो है कहने को तैयार नहीं है कि फांसी का कारण क्या है। कारण कई निकल रहे हैं, 2 दिन बाद उनका रिटायरमेंट भी था। जैसा कि बता दें ये तीसरा माला है और इसी माले में जो है दशरथ दीमर ने जो है फांसी लगा करके आत्महत्या किया है। अभी तक कोई भी खुल के बोलने को तैयार नहीं है कि किन कारणों से उन्होंने फांसी लगाया हुआ है। 31 तारीख को यही 2-3 दिन के बाद जो है उनका रिटायरमेंट था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जो है इस दुनिया से अपना रिटायर ले लिया।